नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप, मैं शिवेंद्र। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा झारखंड की 14 सीटों पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसको लेकर भाजपा ने एक सर्वे भी शुरू किया है। पार्टी ने प्रथम चरण के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। हर लोकसभा सीट से चार चार प्रतिभागियों के नाम इसमें शामिल किए जा रहे हैं। इसमें सिटिंग एमपी के अलावा लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संभावित सांसद उम्मीदवार के रूप में रखा जा रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता देने का मन बना चुकी है। भाजपा के इंटरनल चुनाव सर्वे में इस बिंदु पर सर्वे किया जा रहा है। भाजपा में मिशन 14 को लेकर भाजपा का केंद्र नेतृत्व झारखंड में काम कर रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल आजसू ने 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। एक और राज्य में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। भाजपा ने झारखंड के लिए 14 सीटों पर कब्जा करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 1.5 साल बाद होने जा रहे आम चुनाव यानी 2024 के लिए केंद्रीय मंत्रियों समेत पार्टी के पदाधिकारियों की ड्यूटी 17 अगस्त से लगा दी गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 303 सीटें जीती थी। सहयोगी पार्टियों की 54 सीट मिलाने पर कुल 357 सीटें होती थी। 1.5 साल बाद यानी 2024 में होने वाले चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों समेत पार्टी के पदाधिकारियों की ड्यूटी 17 अगस्त से लगा दी गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 303 सीटें जीती थी। सहयोगी पार्टियों की 54 सीटों मिलाने पर 357 सीटें होती हैं। भाजपा की योजना है कि चुनाव से पहले इन सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों का महीने में एक बार दौरा हो। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा जिन 144 सीटों पर हारी थी, वहां केंद्रीय मंत्रियों का 15 दिन में एक दौरा होगा। लोकसभा के हिसाब से पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दे रही है। लोकसभा सीटों के तहत आने वाली उन विधानसभा सीटों पर जहां पार्टी 2019 में पिछड़ गई थी, वहां राज्य सरकारों के मंत्री रहकर स्थिति की समीक्षा करेंगे और खामियों को दूर करने की रणनीति बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में भाजपा नए चेहरों को ला सकती है और उन्हें मौका दे सकती है। प्राथमिक दौर के इंटरनल चुनाव सर्वे में कई नए चेहरों का नाम सामने आ रहा है, जो कि वर्तमान सिटिंग एमपी के विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो हजारीबाग, चतरा, दुमका जैसे सीटों पर प्राथमिक दौर के चुनाव सर्वे के अनुसार नए चेहरों को मौका मिल सकता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भाजपा की रणनीति किस ओर बढ़ती है और किन चेहरों को मौका दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपके लिए बनाई है हमारे सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।